अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड आई रैप्ड अप माय व्लॉग. ये व्लॉग मैं ख़त्म करने की नाम ही नहीं ले रही हूँ. नाउ द टाइम इज 4:51. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. इशिका हियर. आई रियली रियली होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. और आज का व्लॉग अगेन एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू बीबीएसआर भुवनेश्वर. लेजिट आफ्टर 3 ईयर्स. लास्ट में गई थी 2018 की एंड में एंड टुडे आई अगेन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव प्लान्ड फॉर सो लॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, रूममेट्स, जूनियर्स. बट उतना तो हो नहीं पा रहा है. ओनली 2 ऑफ अस आर गोइंग एंड मे बी 1 or 2 विल जॉइन फ्रॉम देयर ओनली. So I really hope you guys will like and enjoy. Please consider liking this video, share with your friends, family and loved ones, and lastly do not forget to subscribe to my channel. Please do subscribe and enjoy this vlog. So yeah, now let's begin with today's day vlog and the trip. वैसे नहा धो के तो मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट. अभी मैं पी रही हूँ फर्स्ट चाय ऑफ द डे और उसी के साथ मैं थोड़ा सा खाना भी बना लूंगी जल्दी जल्दी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट अवेल द एसी ट्रेन. हम लोग वेटिंग लिस्ट में थे पर इन मोमेंट तक वो हुआ नहीं तो ऑब्वियसली हम लोग का होटल वगैरह बुक हो गया है तो हम लोग को जाना पड़ेगा. सो वी हैव टू अवेल दिस नॉन एसी ट्रेन. आई रियली डोंट नो हाउ द जर्नी इज गोइंग टू बी बट या मोस्ट ऑफली विल हैव फन. ज्यादा गर्मी ना लगे बस इसी का टेंशन है बिकॉज वेदर इज रियली नॉट गोइंग गुड. तो अभी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा राइस बना लेती हूँ. जीरा राइस नहीं तो पीस पुलाव का. जीरा राइस और पीस पुलाव का कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ मैं बनाऊंगी. और श्री मुई वो बना के ला रही है चिकन तो हम लोग का लंच हो जाएगा. सो फर्स्टली गोइंग टू ऐड इन सम जीरा, 2 लौंग, थोड़ा सा गरम मसाला, जावित्री और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें सोक बासमती राइस और इसको मैं थोड़ा बहुत फ्राई कर लूँगी फॉर 2 मिनट्स. सॉल्ट, शुगर, पेपर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है फर्स्ट सीजनिंग एंड देन आई हैव एडेड बॉइलिंग हॉट वाटर ताकि राइस अच्छे से बॉयल हो जाए. दैट्स इट. सो जब तक पुलाव बन रहा है तब तक मैं अपना लगेज भी पैक कर लेती हूँ बिकॉज मैंने अभी तक अपना लगेज ही पैक नहीं किया है. दो आई हैव सम टाइम, हो जाएगा. उतना कुछ सामान तो लेना नहीं, हम लोग जा रहे हैं बस 2 दिन के लिए. सो मैं जल्दी जल्दी फटाफट अपना पैकिंग कर लेती हूँ और तब तक मैं चाय भी पी लेती हूँ. तो मैं भी फटाफट अपना मेकअप बैग सेट कर लेती हूँ एंड आई विल गेट एवरीथिंग इन दिस क्यूट लिटिल पाउच. तो क्या क्या मैं ले रही हूँ, फर्स्टली ब्रशेस. दिस इज माय ब्लश वाला ब्रश, आईब्रो वाला आईब्रो ब्रश एंड दिस इज वन लिटिल आई शेडो ब्रश. दिस इज माय आईब्रो किट व्हिच इज मैंडेटरी. फिर ब्लश कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, मेकअप वाइप्स भी लेना है. वाइप्स मैं अपने हाथ में रखूंगी. ओ या मॉइस्चराइजर, इसको मैं खोलते रहती हूँ, चला ही नहीं होगा. ओ यस, एसपीएफ सनस्क्रीन. Meanwhile, my pulao is also ready. मैं लास्ट में मैंने थोड़ा सा मिठाई और थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था. That's it. मैं आज जा रही हूँ भुवनेश्वर. मेरे पापा आ रहे हैं आज कोलकाता. हाँ, he's coming from राजस्थान और वो राजस्थान गए हुए थे तो आज आ रहे हैं. सो दिस इज अ सडन प्लान तो मुझे सब कुछ सेट करके अच्छे से रख के जाना पड़ रहा है. तो जस्ट गिव मी 20 मिनट्स, आई विल सॉर्ट आउट एंड सब कुछ मैं ठीक कर देती हूँ रूम में. फिर आई विल कैच यू गाइस. तब तक मेरा जाने का भी टाइम हो जाएगा तो मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेती हूँ. सब कुछ जो मैंने जो पूरा मेस क्रिएट करके रखा है अपने रूम में और बाहर भी थोड़ा बहुत, वो मैं सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, सॉर्ट कर लेती हूँ एंड देन आई विल कैच यू गाइस. तब तक आप लोग देखते रहिए व्लॉग. Are you excited for the trip? Tension है मोटे ही ऐसे. चल
खोलो 150 बाजे किंतु मिश्री मोई। सो हम लोग स्टेशन तो पहुंच गए, अभी हम लोग रुके थोड़ा सा केएफसी में, स्टेशन के अंदर ही जो केएफसी है, तो वहाँ से हम लोग कुछ बर्गर वगैरह ले लेंगे ताकि अभी जाके बैठे थोड़ा सा खा पाओ, बिकॉज वी बोथ हैवन डन आवर ब्रेकफास्ट ये। तो श्री मोई वहाँ पर ले लिए खाना, तो चलो बैठ के फिर आई विल कैच यू गाइस। फाइनली हम लोग बैठ गए ट्रेन में और हालत भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। सो फाइनली हम लोग बैठ गए ट्रेन में एंड द ट्रेन इज गोइंग टू लीव एट 1:25। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा नहीं, सो हाउ मच एक्साइटेड फॉर द ट्रिप? वेरी मच। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट गर्ल्स गैंग ट्रिप। इससे पहले मैं शायद फैमिली के अलावा कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं की हूँ, कहीं रही भी नहीं हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो सुपर डुपर एक्साइटेड। Is it a refund, na? Yeah, as
दो तीन दिन रूम है। तो हम लोग रूम में पहुंचे हैं एंड द रूम इज क्वाइट नाइस, बहुत स्पेशियस है। तो अभी हम लोग आते वक्त लेके आए थे तंदूरी मोमो एंड स्टीम मोमो फ्रॉम किड्स, मतलब किड्स को ऐसे हम लोग लेके आए थे। एंड या नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस मोमो गॉसिप अ बिट, उसके बाद हम लोग डिनर ऑर्डर कर लेंगे, वी विल हैव डिनर। आज के लिए हम लोग सो जाएंगे बिकॉज वी आर सो मच टायर्ड, और कल क्या क्या होगा देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी एक्साइटिंग टू सी। तो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग के बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in my next vlog. Till then, take care. Bye. Hold on, the vlog has not ended yet. और भी आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। तो हम लोगों ने मंगवाया था चाय। This is how the chai came. This is from Jugaad Junction. हम लोग पहले बहुत जाते थे Jugaad Junction में चाय मैगी ये सब खाने, और एक ही कप दिया यार, इट वॉज रिटन सर्व्स टू, पर कप एक दिया, एक जन को फिर बॉटल में पीना पड़ा, एक जन को एक कप में। फिर टाइम हो रहा है 12:30 एंड आई रैप्ड अप माय व्लॉग एटलीस्ट 1 to 2 hours पहले। अभी हम लोग को फिर से मन हो रहा है कि हम लोग थोड़ा से भी आइसक्रीम खाएंगे, दैट्स व्हाई वी हैव ऑर्डर फ्रॉम नेचुरल्स। अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे उसके बाद गप्पे मारेंगे। टू लेट, होपफुली वी विल बी डन फॉर दैट डे। कुछ ज्यादा ही हम लोग कर रहे हैं एंड आवर आइसक्रीम इज हियर। चलो टूट पड़ो, लास्ट वन फॉर टुडे, टेंडा कोकोनट आइसक्रीम। और भी एक दिखा दो। एंड देन वी आर गोइंग टू शेयर दिस वन। व्हिच वन इज दिस वन? चोको चिप्स। हम लोगों को मैंगो एसेंस वाला नहीं मिला, वो मैं कल खाई थी, दैट वाज रियली। चलो हम लोग एंजॉय करते हैं एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय। ये व्लॉग मैं ख़त्म करने की नाम ही नहीं ले रही हूँ। नाउ द टाइम इज़ 4:51। हम लोग बेकार में गप्पे मारे जा रहे एक के बाद एक एक्टिविटीज़ करे जा रहे हैं। डिनर के बाद हम लोग सोचे कि आज सो जाएंगे, बहुत जल्दी सो जाएंगे, बिकॉज कल के लिए हम लोग के पास बहुत सारे प्लान्स है। आ जा क्यों लो। तो हम लोग सोचे थे कि आज जल्दी सो जाएंगे सो दैट वी विल बी फ्रेश इनफ फॉर टुमारो, बट अब तक हम लोग सो नहीं पाए और सोएंगे भी नहीं बिकॉज दूसरा प्लान बन गया है। सो आई थॉट टू यू नो ग्रैब द फोन एंड रिकॉर्ड ऑल दिस मेमोरीज, बिकॉज ये हम लोग को दोबारा मिलने वाला नहीं है, होपफुली। स्लीप। सो अभी हम लोग का नेक्स्ट प्लान बना है, अभी थोड़ा सा बाहर में यू नो थोड़ा बहुत सुबह हो जाएगा तो वी विल गो आउट फॉर अर्ली मॉर्निंग वर्क, और हम लोग पियेंगे थोड़ा सा चाय। अब तक तो हम लोग बैठ के गप्पे मारे थे, थोड़ा टाइम के लिए मैं सो गई थी फॉर 5 to 10 minutes, पर अचानक से मैं आँख खोली तो देख रही हूँ ये श्रीमो ये आँख में कुछ लगा के सो रही है, तो उन्हें ये थोड़ा सा हटाया। शी वॉज लाइक हाँ मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है। फिर चल ठीक है, फिर बैठ जाते हैं, फिर से कुछ व्लॉग वगैरह देखते हैं। तो हम लोग कुछ मस्ती मजाक वाला व्लॉग देख रहे थे, फिर बेफालतू की बात किए जा रहे थे एंड देन बना नेक्स्ट प्लान की चलो थोड़ा बहुत सुबह हो जाए, थोड़ा बहुत अंधेरा घट जाए तो वी विल गो फॉर अ वॉक एंड हैव सम नाइस कड़क चाय एंड देन वी विल बी सॉर्टेड फॉर द डे। आज हम लोग सोएंगे नहीं, और बीच में शी डिड दिस हेयर स्टाइलिंग थिंग व्हाट आई डोंट नो, सो क्या बोलते हैं क्रीम, जो आधा चला भी गया बिकॉज मैं थोड़ा टाइम के लिए सो गई थी। हाँ इधर आओ। सो हाउ इज योर ट्रिप गोइंग टिल नाउ? टू गुड, but I need chai right now. Your eyes. My eyes. Eye right now. We are sleep deprived. हम लोग सोए नहीं है. It's been like a lot of hours. दो तीन महीना लगा। लीजिए जर्नी फॉर 7 to 8 hours। उससे पहले हम लोग बहुत सुबह उठ गए थे कल, और आके भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो वही प्लान कि आज हम लोग सो जाएंगे जल्दी, कल बहुत सारा प्लान्स है, वी हैव टू डू सम वर्क इन आवर कॉलेज ऑल्सो, पर नींद आया ही नहीं बिकॉज हम लोग को गप्पे मारना है। फिर उसने ये क्या हेयर स्टाइलिंग वगैरह की मेरे पे एक्सपेरिमेंट, क्रीम क्रैम कुछ की, फिर आई पेंटेड माई आईज। देखिए आई वन इज ओके, तुम्हारा वाला काफी स्वेलिंग हो गया। स्वेलिंग मेरा तो हैबिट है रात जाने क्योंकि नो स्लीप।
तो चलो अभी हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं थोड़ा टाइम के लिए, और आई थिंक उतने में तो उतना टाइम में तो सुबह हो ही जाएगा बाहर में. नाउ द टाइम इज 4:51 एंड आई क्वाइट लाइकिंग दिस हेयर स्टाइल. बहुत साल बाद मैंने कुछ डिफरेंट किया है, अदरवाइज आई कीप इट वेरी यू नो नॉर्मल जैसा मेरा नेचुरल हेयर है. सो आई एम क्वाइट लविंग इट. कैमरा में उतना पता तो नहीं चल रहा है, बट मिरर में पता चल रहा है, वही काफ़ी है. और कल हम लोग रूम चेंज कर लेंगे. वी आर गोइंग टू, या वी आर चेकिंग आउट एट 11. यस, आज के हम लोग को ये वाला रूम मिला है क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम के लिए थे. तो कल वी आर गोइंग टू चिल इन आवर नाइस रूम, एक अच्छा खासा रूम लेंगे, चिल करेंगे, पूल वगैरह में चिल करेंगे और बहुत सारा चिल. यस, अ लॉट ऑफ चिल. तो या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. ये अभी मैं पक्का रैप अप कर देती हूँ और मैं सोच रही थोड़े टाइम के लिए मैं बैठ के ये एडिट कर लेती हूँ. सो या दैट वॉज ए क्विक अपडेट. चलो अभी और मैं नेक्स्ट नहीं स्टार्ट करूँगी व्लॉग. बाय.